रफाह पर जमीनी कार्रवाई शुरू करने से पहले इसराइल ने इस शरणार्थी क्षेत्र पर हवाई हमले बढ़ा दिए। गुरुवार सुबह 3 स्थानों पर इसराइली हमलों में 6 लोग मारे गए। मिस्र से सटे इस क्षेत्र में रह रहे लोगों से इसराइल ने स्थानांतरण के लिए तैयार रहने को कहा। इजरायली सेना की यहां छिपे हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई की योजना है। मध्य गाजा में भी इजरायली हमलों में 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इन्हें मिलाकर अभी तक के युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 34,305 हो गई है। गुरुवार को इजरायली विमानों ने गाजा में हमास के कुल 30 ठिकानों पर बमबारी की। रफा में इस समय करीब 14 लाख बेघर फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इजरायल ने उन्हें खान यूनिस के नजदीक टेंटों में रखने की योजना बनाई है। ये प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन इस दौरान इजरायली सेना का हमास के साथ टकराव हो सकता है। इस बीच हमास ने 23 वर्षीय एक व्यक्ति का वीडियो जारी किया है। इस युवक को 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला कर वहां से अगवा किया गया था। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमास जब तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक उसको घेरते रहेंगे और जहां भी बंधकों के होने की संभावना होगी वहां जाएंगे। अमेरिका और 17 अन्य देशों ने हमास से इसराइल के 130 बंधकों को रिहा करने और गाजा संकट को खत्म करने की अपील की है। इन बंधकों में कई बीमार, बुजुर्ग और घायल हैं। ये बंधक बीते 200 दिनों से हमास के कब्जे में हैं। जिन देशों ने हमास से अपील की है उन्हें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ब्राजील प्रमुख हैं।